कहानी की शुरुआत विक्टोरिया लंदन से होती है, जहां एक पुल पर एक औरत खड़ी थी और कुछ देर बाद वो औरत पुल से कूद जाती है। अगले सीन में बेला नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो अपने घर में पियानो बजाने की कोशिश कर रही थी। बेला मेंटली अनस्टेबल है, जो अपने पिता डॉक्टर गॉडविन के साथ रहती है, जो एक सर्जन भी है। बेला वैसे तो 25 साल की है, लेकिन उसका माइंड एक छोटे बच्चे की तरह है। गॉडविन बेला के पास आता है और उससे मिलने के बाद मीटिंग के लिए निकल जाता है। अपने पिता के जाने के बाद अकेले पर जाने पर बेला उदास हो जाती है। गॉडविन साइंटिस्ट की एक मीटिंग में जाता है, जहां वो सब साइंटिस्ट को अपने एक्सपेरिमेंट के बारे में बताता है। गॉडविन ब्रेन सर्जरी का माहिर था। उसी मीटिंग में एक मेडिकल स्टूडेंट मैक्स भी आया हुआ था। गॉडविन वापस जाने लगता है तो मैक्स गॉडविन से कहता है, मैं आपका असिस्टेंट बनना चाहता हूं, ताकि मैं आपसे सर्जरी के बारे में सीख सकूं। उसकी बात सुनकर गॉडविन मान जाता है और मैक्स को अपना असिस्टेंट बना लेता है। गॉडविन मैक्स को अपने घर ले जाता है, जहां बेला बच्चों की तरह हरकतें कर रही थी, जो मैक्स को थोड़ा अजीब लगता है। बेला हाथ में पकड़ी प्लेट नीचे गिरा कर तोड़ देती है। गॉडविन मैक्स को बेला से मिलवाता है, तो उसे देखकर बेला उसे मारने लगती है, क्योंकि उसे अपने घर में कोई नया इंसान नहीं चाहिए था। गॉडविन मैक्स को बताता है, बेला का दिमाग एक छोटे बच्चे की तरह है और इसे मेंटल इंजरी भी हुई थी, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम बेला पर स्टडी करो और इसका कोई क्योर ढूंढने की कोशिश करो। तो मैक्स मान जाता है। मैक्स बेला पर रिसर्च करने लगता है, जिसके लिए वो बेला पर करीब से नजर रखता है कि वो क्या करती है, कैसे करती है, वगैरह वगैरह। मैक्स उसके बिहेवियर के बारे में एक एक चीज जानने की कोशिश करता है। बेला पर रिसर्च करते हुए एक दिन मैक्स गॉडविन से पूछता है, बेला कहाँ से आई है, लेकिन गॉडविन उसे कुछ भी बताने से मना कर देता है। बेला गॉडविन के साथ लेटी थी और गॉडविन उसे कहानी सुना रहा था। गॉडविन कहानी सुनाने के बाद बेला को बताता है, तुम्हारे पेरेंट्स की मौत के बाद मैं तुम्हें अपने पास ले आया था और तब से तुम मेरी बेटी हो। बेला उसकी बात सुनकर कहती है, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और आपके साथ ही रहना चाहती हूँ। बेला मैक्स के साथ छत पर जाती है और बाहर का नजारा देखने लगती है। मैक्स बेला के पीछे खड़ा था, इसलिए उसकी नजर बेला के सर के पीछे एक निशान पर पड़ती है। वो उस बारे में जानना चाहता था, लेकिन बेला के कहने पर उसे उसके रूम में ले जाता है। अगले दिन बेला गॉडविन से बाहर जाने की जिद करती है, तो गॉडविन मैक्स के साथ उसे बग्गी में बिठा कर बाहर घुमाने के लिए ले जाता है। बेला मैक्स और गॉडविन के साथ बहुत इंजॉय करती है। गॉडविन बेला को ज्यादा देर तक बाहर नहीं रखना चाहता था, इसलिए वो उसे बग्गी में बिठा कर घर वापस ले जाने लगता है। लेकिन रास्ते में बेला आइसक्रीम खाने की जिद करती है, पर गॉडविन उसे सख्ती से मना कर देता है, जिस पर बेला आपे से बाहर हुई उसे मारने लगती है, जिस पर उसे काबू करने के लिए गॉडविन उसे क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश कर देता है। ये देखकर मैक्स को बेला के लिए बहुत बुरा फील होता है। इसके बाद उसकी बेला को जानने की ख्वाहिश और बढ़ जाती है। वो बस जानना चाहता था कि बेला कौन है और आखिर कहां से आई है, इसलिए वो गॉडविन के ऑफिस जाकर गॉडविन की फाइल्स देखता है, तो एक फाइल में उसे ब्रेन से रिलेटेड कुछ पिक्चर्स मिलती हैं और ये फाइल बेला की ही थी। तभी वहां गॉडविन आ जाता है। मैक्स बेला के पास्ट के बारे में जानने के लिए गॉडविन को धमकी लगाते हुए कहता है, अगर तुमने मुझे बेला के बारे में नहीं बताया कि तुमने उसके साथ क्या किया है, तो मैं पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगा। मैक्स की धमकी सुनकर गॉडविन डर जाता है, इसलिए उसे ना चाहते हुए भी मैक्स को बेला के बारे में बताना पड़ता है। यहां हमें पता चलता है, बेला असल में वही औरत है जिसे मूवी के पहले सीन में दिखाया गया था, जो पुल पर से कूद गई थी। बाद में गॉडविन को उसकी डेड बॉडी मिलती है, तो उसे पता चला था कि वो प्रेग्नेंट थी, इसलिए गॉडविन उसे जिंदा करने के लिए उसके बच्चे के ब्रेन को उसके ब्रेन से बदल देता है। उसे जिंदा करने के बाद गॉडविन ने उसका नाम बेला रखा था। वो कहता है, ये सब मैंने अपने नए एक्सपेरिमेंट को चेक करने के लिए किया था। बेला का ब्रेन उसके बेबी के ब्रेन से चेंज होने की वजह से वो बच्चों की तरह बिहेव करती है। कई महीनों के बाद बेला में कुछ इम्प्रूवमेंट्स आने लगी थी और उसे बाहर की दुनिया के बारे में पता चलने लगा था। इसी बीच बेला और मैक्स एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। मैक्स बेला से प्यार करने लगता है और बेला भी मैक्स के साथ रहने के लिए तैयार थी। मैक्स गॉडविन से बेला के बारे में बात करता है और बेला से शादी के लिए गॉडविन से बेला का हाथ मांगता है। ये सुनकर गॉडविन भी खुश हो जाता है, लेकिन वो मैक्स से कहता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि बेला को मुझसे दूर जाना पड़ेगा, इसलिए मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए। अगले सीन में गॉडविन एक लॉयर से मिलता है, जो गॉडविन से बेला के बारे में बात करता है। वो गॉडविन से कहता है, मुझे बेला पसंद है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन गॉडविन मना कर देता है, क्योंकि लॉयर एक अयाश किस्म का आदमी था जो पूरी दुनिया घूमता था। फिर लॉयर बेला के रूम में जाता है। वो बेला के करीब बैठकर उसके शरीर पर हाथ फेरते हुए पूछता है, तुम्हें क्या पसंद है? तो बेला कहती है, मुझे बाहर घूमना पसंद है और नई चीजें देखना मुझे पसंद है, क्योंकि मैं हमेशा घर में ही रही हूँ। उसकी बात सुनकर लॉयर उसे कहता है, मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ लिस्बन चलो, जहाँ हम दोनों बहुत इंजॉय करेंगे। उसकी बात सुनकर बेला मान जाती है और गॉडविन से इस बारे में बात करती है, लेकिन गॉडविन उसे मना कर देता है, जिस पर बेला को गुस्सा आता है। वो गॉडविन से कहती है, मैं आपसे नफरत करती हूँ। जिसके बाद बेला अपने रूम में जाकर अपना सामान पैक करने लगती है, तो मैक्स उसे समझाता है, लॉयर अच्छा आदमी नहीं है और तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता है। मैक्स उसे कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, पर बेला उसकी बात को इग्नोर करके कहती है, मैं उसके साथ पूरी दुनिया घूमना चाहती हूँ। मैक्स को ये बात सुनकर
सुनकर बहुत गुस्सा आता है कि लॉयर बेला के दिमाग के साथ खेल रहा है, जिस पर वो बेला से कहता है मैं लॉयर का मुंह तोड़ दूंगा। ये सुनकर अचानक बेला के रंग बदल जाते हैं, वो जाने की जिद छोड़कर मैक्स के करीब आकर उसे किस करने लगती है, लेकिन ये सिर्फ उसकी एक चाल थी जिसके बदले वो मैक्स को बेहोश कर देती है। तभी गॉडविन वहां आता है तो बेला उसे भी बेहोश कर देती है। कुछ देर बाद दोनों को होश आता है तो मैक्स गॉडविन से पूछता है तुमने उसे क्यों नहीं रोका। तो गॉडविन कहता है क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि वो यहाँ से चली जाएगी। मैक्स बेला के लिए परेशान कहता है मुझे उसे रोकना चाहिए था, पता नहीं बेला कैसी होगी। दूसरी तरफ बेला और लॉयर एक साथ थे, लॉयर उसे नई नई चीजें खिलाता है और अच्छी जगहों पर घुमाता है। फिर वो दोनों लिस्बन जाते हैं जहाँ वो दोनों कुछ दिनों तक घूमते हैं। बेला का दिमाग अभी पूरी तरह ग्रो नहीं हुआ था, इसलिए वो अभी लोगों से ठीक से बात नहीं कर पाती थी क्योंकि उसे अभी बहुत कुछ सीखना बाकी था। बेला और लॉयर कुछ अमीर लोगों के साथ डिनर करते हैं जहाँ बेला अपनी और लॉयर की प्राइवेट बातें सब लोगों को बता देती है, जिस पर लॉयर शर्मिंदा हो जाता है और वो बेला को एक साइड पर ले जाकर उसे कहता है हम अपनी प्राइवेट बातें सबके सामने नहीं कर सकते। फिर वो बेला को अच्छे से बिहेव करने का कहता है और बेला पर पूरी तरह चिल्लाता है। बेला को उस पर गुस्सा आ जाता है और वो उसे थप्पड़ मार देती है। लॉयर उसे संभालता है और डिनर के बाद दोनों सबके सामने डांस करते हैं। डांस के बाद बेला लॉयर को बताती है उसे कोई आदमी देख रहा है, जिस पर लॉयर को गुस्सा आ जाता है। वो उस आदमी की कुट लगाता है और फिर वो बेला को लेकर एक रूम में चला जाता है। उधर गॉडविन और मैक्स बीजिंग में एक मीटिंग के लिए जाते हैं जहाँ कुछ साइंटिस्ट आए हुए थे। गॉडविन साइंटिस्ट अपने अगले प्रोजेक्ट के बारे में बताता है। मीटिंग के बाद मैक्स गॉडविन से कहता है मुझे बेला की याद आ रही है। तो गॉडविन उसे कहता है तुम्हें उसे भूलकर अपने प्रोजेक्ट पे फोकस करना चाहिए। वो मैक्स से कहता है हमें अपने एक्सपेरिमेंट के लिए एक नए शरीर को ढूंढना होगा। लॉयर बेला को एक बड़े से बक्से में बैठने को कहता है, जिसके बाद वो बेला को बंद कर देता है। कुछ देर बाद बेला उस बॉक्स से बाहर आती है तो उसे एक बड़ा शिप नजर आता है। लॉयर उसे घुमाने के लिए एक शिप पर लाया था, लेकिन बेला इस सबसे ज्यादा खुश नहीं होती। रात को डिनर करते हुए बेला को एक कपल मिलता है। औरत बेला से कहती है मैं तुम्हें काफी देर से देख रही हूँ, तुम बहुत सुंदर हो। वो कहती है तुम्हारी मॉम भी तुम्हारी तरह ही होंगी। तो बेला कहती है मैं सिर्फ अपने पिता को जानती हूँ। वो लोग बेला को बताते हैं हम दोनों पूरी दुनिया घूमते हैं और लोगों की मदद करते हैं। और तभी वहाँ लॉयर आ जाता है और बेला को अपने साथ ले जाता है। लॉयर बेला को समझाते हुए कहता है हमें अपनी पर्सनल बातें लोगों को नहीं बतानी चाहिए। वो बेला से कहता है अब हम दोनों साथ हैं तो हमें आगे के बारे में सोचना चाहिए क्योंकि हमें एक साथ रहना है। जिस पर बेला कहती है मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी क्योंकि मेरी मैक्स के साथ इंगेजमेंट हुई थी। उसकी बात सुनकर लॉयर उसे कहता है तुम मैक्स को छोड़कर मेरे साथ भाग कर आई थी। तो बेला कहती है मैं सिर्फ तुम्हारे साथ मजे करने और दुनिया घूमने आई थी। जिस पर लॉयर को गुस्सा आ जाता है। बेला दोबारा उसी कपल से मिलती है। औरत का नाम मार्था और उसके हस्बैंड का नाम हैरी था। बेला उन दोनों से अच्छी दोस्ती कर लेती है। वो दोनों बेला को समझाते हैं तुमने अभी दुनिया में बहुत कुछ नहीं देखा और तुम्हें अभी बहुत कुछ जानना है। हैरी बेला से कहता है लॉयर एक घटिया इंसान है जो तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव नहीं करता। बेला लॉयर के पास जाती है तो वो बेला को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन बेला उसकी बात नहीं सुनती। वो ड्रिंक करने लगता है और शिप पर जुआ खेलने लगता है। शिप अलेक्जेंड्रा में रुकता है तो हैरी बेला को अपने साथ ले जाता है और उसे शिप से नीचे कुछ गरीब लोग दिखाता है जिनके पास रहने के लिए ना तो घर था और ना ही खाने के लिए पैसा था। उन्हें देखकर बेला रोने लगती है क्योंकि उसने कभी गरीब लोगों को देखा ही नहीं था। बेला वहां जाना चाहती थी लेकिन हैरी उसे रोक लेता है क्योंकि अगर बेला वहां जाती तो वो लोग बेला को पकड़ लेते। बेला अपने रूम में जाती है और उन गरीब लोगों के लिए सोचने लगती है। कुछ देर बाद बेला लॉयर का जुए में जीता हुआ पैसा लेकर बाहर जाती है क्योंकि बेला ये पैसे उन गरीब लोगों को देना चाहती थी। बेला शिप से बाहर जाने लगती है तो गार्ड उसे रोक लेते हैं, जिस पर बेला उन्हें बताती है मैं ये पैसा गरीब लोगों में बांटना चाहती हूँ। गार्ड्स बेला से कहते हैं ये पैसे हमें दे दो हम उन्हें दे देंगे। तो बेला उन्हें पैसे देकर वहां से चली जाती है, लेकिन बेला नहीं जानती थी उन गार्ड्स ने उसके साथ धोखा किया है। बेला रूम में वापस जाती है जहां लॉयर बहुत गुस्से में था क्योंकि उसे उसके पैसे नहीं मिल रहे थे। लॉयर गार्ड्स को बुलाकर उसे कहता है मेरे पैसे चोरी हो गए हैं, जिस पर बेला कहती है मैंने सारे पैसे गरीब लोगों को दे दिए ताकि वो अपने लिए चीजें खरीद सके। उसकी बात सुनकर लॉयर को लगता है बेला मजाक कर रही है। तो बेला कहती है मैंने सच में पैसे उन्हें दे दिए हैं। बेला लॉयर से कहती है तुम्हें भी एक बार उन गरीब लोगों को देखना चाहिए था। तभी वहाँ शिप का कैप्टन आकर लॉयर से कहता है अब आपके पास आगे का सफर करने के लिए पैसे नहीं है, इसलिए आपको यही शिप से उतरना होगा। शिप से उतर कर वो दोनों पेरिस जाते हैं। लॉयर बेला पर बहुत गुस्सा था क्योंकि उसकी वजह से
उसके पास कोई पैसे नहीं बचे थे। ना दोनों के पास रहने के लिए घर था और ना ही खाने के लिए पैसे थे। बेला को भूख लगती है तो वो लॉयर को कुछ खाने के लिए लाने का कहती है, जिस पर लॉयर उसे बातें सुनाते हुए कहता है, तुम बेवकूफ हो क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरे पास कोई पैसे नहीं रहे। उधर गॉडविन और मैक्स को दिखाया जाता है, गॉडविन बीमार हो गया था इसलिए वो मैक्स से बेला को अपने पास लाने का कहता है। मैक्स किसी तरह लॉयर को ढूंढने में कामयाब हो जाता है, जिसे एक ऐसी जगह रखा गया था जहां उन लोगों को रखा जाता है जो अपने साथ गलत काम करते हैं। मैक्स उससे मिलकर बेला के बारे में पूछता है तो लॉयर उसे बताता है बेला बहुत गलत काम करके पैसा कमाती है। उसकी बात सुनकर मैक्स उसकी अच्छी कुट लगाता है। दूसरी तरफ बेला को गॉडविन का लेटर मिलता है जिससे उसे पता चलता है उसकी तबीयत बहुत खराब है। लेटर पढ़ते ही बेला लंदन वापस जाती है और गॉडविन से मिलती है। दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं। गॉडविन बेला से कहता है, मैंने हमेशा तुम्हारा ख्याल रखा है इसलिए अब मैं चाहता हूँ तुम और मैक्स एक दूसरे से शादी कर लो। जिस पर बेला कहती है, मैं जानती हूँ आपने मेरा बहुत ख्याल रखा है और मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ मैं कौन हूँ। उसकी बात सुनकर गॉडविन उसे बता देता है, मैंने तुम पर अपना पहला एक्सपेरिमेंट किया था। बेला वहाँ एक लड़की फेलिसिटी को देखती है जिस पर गॉडविन ने अपना दूसरा एक्सपेरिमेंट किया था। फेलिसिटी को भी बेला की ही तरह एक बेबी के दिमाग की मदद से जिंदा किया गया था। मैक्स बेला को बताता है फेलिसिटी पर गॉडविन ने एक्सपेरिमेंट किया है। ये सुनकर बेला को गुस्सा आता है और वो गॉडविन के पास जाकर उसे बातें सुनाती है। मैक्स बेला से कहता है, मैं अभी भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ, जिस पर बेला मान जाती है। फिर वो दोनों शादी के लिए एक चर्च में जाते हैं, तभी वहाँ लॉयर अपने साथ एल्फी नाम के एक आदमी को लेकर आता है। एल्फी बेला को विक्टोरिया कह रहा था। एल्फी सबके सामने अनाउंस करता है कि बेला के गायब होने से पहले हम दोनों की शादी हो चुकी थी, इसलिए अब मैं बेला को वापस लेने के लिए आया हूँ। लॉयर कहता है, गॉडविन ने बेला के साथ कुछ किया है, जिस पर एल्फी कहता है, मैं आर्मी जर्नल हूँ इसलिए इस बारे में पता लगा कर उसे सजा दिलवाऊंगा। बेला एल्फी के साथ चली जाती है क्योंकि वो अपने बारे में जानकारी लेना चाहती थी। वो दोनों एक घर में जाते हैं जो बहुत सुंदर था, लेकिन घर के नौकर बहुत डरे हुए थे। रात को वो दोनों डिनर करते हैं तो बेला उससे पूछती है, मैंने खुद को खत्म क्यों किया था, क्या हमारे बीच कोई झगड़ा हुआ था। एल्फी कहता है, मुझे नहीं पता। फिर एल्फी अपने एक नौकर को अपनी गन से डराता है, जिससे बेला समझ जाती है एल्फी एक बुरा इंसान है। बेला को सारी बात समझ आ गई थी कि विक्टोरिया ने एल्फी से बचने के लिए खुद को मारने की कोशिश की थी। अगले दिन बेला वहाँ से बाहर जाना चाहती थी, लेकिन एल्फी उसे रोक लेता है और उसे बाहर नहीं जाने देता। एल्फी बेला पर गन तान कर उसे अपने साथ चलने का और ड्रिंक करने का कहता है, लेकिन बेला उसके फेस पर ड्रिंक फेंक देती है। फिर बेला थोड़ी मेहनत करने के बाद गन खींच कर उसके पैरों पर गोली मारती है, जिस कारण वो बेहोश हो जाता है। बेला एल्फी को लेकर मैक्स के पास जाती है। मैक्स एल्फी की हालत देखकर कहता है, ये शायद अब नहीं बचेगा, तो बेला उसे एल्फी की सर्जरी करने के लिए कहती है। बेला और मैक्स एल्फी को गॉडविन के घर ले जाते हैं और दोनों गॉडविन को फॉलो करते हैं। वो दोनों एल्फी के सर में एक बकरी का दिमाग इम्प्लांट कर देते हैं। अगले सीन में बेला को फेलिसिटी के साथ दिखाया जाता है, जहां बेला उसका बच्चों की तरह ख्याल रखती नजर आती है। वहीं एल्फी अब बकरी की तरह बिहेव करने लगा था। और यहीं इस मूवी का एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।